हे गाइस, वेलकम डिजिटल बॉस। और मैं हूं आपका फेवरेट यूट्यूबर। बेबी, आज मेरे घर पे कोई नहीं है, आप आओगे? अच्छा, आज घर पे कोई नहीं है भाई? हाँ, बोलने दे, फोन ले जा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यहाँ पर Redmi Note 5 Pro के जो अपडेट आया था MIUI 9.6.2.3.0। तो दोस्तों, इसमें हमें क्या क्या यहाँ पर बग्स अब देखने को मिल रहे हैं और क्या क्या हमें परेशानियाँ आ रही हैं इस रोम को अपडेट करने के बाद में, तो इन सभी की जानकारी आज के हम इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आपके पास भी Redmi Note 5 Pro है या फिर Xiaomi के अंदर कोई डिवाइस है, तो आज की आप हमारी ये वीडियो शुरू लेकर अंदर जरूर देखिएगा। साथ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो पास वाले नोट बेल का आइकन आएगा, आपने उस पर क्लिक कर देना है ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप हमारी वीडियो देख सकें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके पास इस समय रोम चल रही थी, पहले चल रही थी 9.5.19 जो बहुत अच्छी रोम थी, लेकिन उसके बाद में यहाँ पर अपडेट आया था 9.6.2.0 का, जो आने के बाद कुछ यूजर्स को मिला था, उसके बाद सस्पेंड हो गया था। लेकिन उसके बाद में एक बेस्ट रोम आई थी यहाँ पर MIUI 9.6.3.0, जिसमें शुरुआत में तो कोई भी हमें बग्स देखने को नहीं मिला। तो दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपके दोस्तों, जब मैंने यहाँ पर पहले Redmi Note 5 Pro में यहाँ पर जब मैंने 9.5.19 की अपडेट की थी, तो वहाँ पर शुरू में तो हमें कोई भी हमें बग्स देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर 9.6.2.0 की अपडेट की थी, तो वहाँ पर भी मुझे लगभग 7 दिन तक कोई भी बग्स देखने को नहीं मिलता, इतना बड़ा। लेकिन पता नहीं क्या होता है यहाँ पर Xiaomi के रोम में, जब 7 दिन से ऊपर हो जाते हैं तो उसके बाद में हमें यहाँ पर बहुत सारे बग्स देखने को स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैसा कि दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सभी देख सकते हैं मेरे मोबाइल में, तो मेरे पास भी Redmi का Note 5 Pro है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी मुझे बहुत सारे बग्स देखने को मिले हैं, जैसे फुल स्क्रीन जो जेस्चर है वो बिल्कुल लैगी परफॉर्मेंस दे रहा है और जो डिवाइस है बिल्कुल स्लो वर्क कर रहा है। ये पता नहीं क्या हो जाता है दोस्तों Xiaomi के मोबाइल में, जब भी आप यहाँ पर कोई भी अपडेट करेंगे तो जब उसे 7-8 दिन हो जाएंगे तो उसके बाद में प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो नंबर 2 पे यहाँ बात करते हैं प्रॉब्लम की। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये अपडेट आ रहा है कई बहुत सारे लोगों को 2 या 3 टाइप का, जैसे कि स्टार्टिंग में तो आपको मिल जाता है 680 MB वाला। तो मैंने दोस्तों आपके लिए सोल्यूशन बताया था कि आप अपने मोबाइल को एक बार रिबूट कर लीजिए, अगर रिबूट करने के बाद आपका जो डिवाइस है उसमें 1.6 GB का अपडेट आ सकता है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम ये आ रही है, उनका रिबूट करने के बाद में भी जो 600 MB वाला ही अपडेट शो कर रहा है, तो उन्हें क्या करना पड़ रहा है? पहले यहाँ पर उन्हें जो 680 MB वाला अपडेट है उसे डाउनलोड करना पड़ रहा है, उसे डाउनलोड करने के बाद में उसे क्या हो जाता है, एरर आ जाता है, तो उसके बाद में ही उन्हें 1.6 GB वाला अपडेट देखने को मिल रहा है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका लगभग 2 से 2.5 GB डाटा ख़त्म हो जाता है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉब्लम की। दोस्तों, यहाँ पर जो कैमरा में बहुत बार एरर देखने को मिल रहा है, तो अगर आप कैमरा डाल रहे हैं तो जब आप कैमरे पर फोटो क्लिक करने के बाद में तो यहाँ पर कैमरा एरर शो कर देता है। तो दोस्तों, ये वाला बग जो पहले केवल MIUI 10 के ग्लोबल बीटा रोम में देखने को मिल रहा था, लेकिन ये इस बार स्टेबल रोम में आ गया, तो ये एक बहुत ही बुरी बात है। तो दोस्तों, इसके बाद में लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर बैटरी का ड्रेन जो बहुत ही फास्ट हो रहा है। अगर आप रात को अपना मोबाइल 100% करके रख देते हैं तो सुबह को आपको 60 या 70% ही मिलता है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके बाद में यहाँ पर सेटिंग में भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर जो अगर आप कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो वो फ्रीज हो जाती है लॉन्ग टाइम के लिए या फिर फोर्स क्लोज हो जाती है, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और साथ में दोस्तों, आपको जो बैटरी का चार्जिंग है वो बहुत सारे लोगों के नहीं वर्क नहीं कर रहा है। साथ ही यहाँ पर अगर आप अपने मोबाइल को के लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं या फिर OTG कनेक्ट करते हैं तो वो OTG कनेक्ट ही नहीं हो पा रही है, तो ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों, अब आपके लिए बात सारी है, अब आपको इंतजार करना पड़ेगा न्यू अपडेट का, क्योंकि न्यू अपडेट आ सकती है आपकी 15 सितंबर तक। जैसा कि दोस्तों, मैं आपके लिए पहले वीडियो लेकर आ चुका हूँ या फिर आप मेरे जो कार्ड में देख सकते हैं पहले वीडियो, तो उसके बारे में मैंने बताया जो Redmi Note 5 Pro के लिए MIUI 9.6.3.0 के बाद में कौन सा अपडेट आने वाला है, तो उसकी मैंने 100% कंफर्म जानकारी बताई है उस वीडियो में, तो आप देख सकते हैं। वैसे दोस्तों, मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आने वाला हूँ जिसमें मैं आपको पूरा शेड्यूल बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों अगर आपको भी Redmi Note 5 Pro में इस रोम में कोई प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, तो शायद मैं उसका सॉल्यूशन कर सकता हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो साथ में, तब तक आपका दिन शुभ रहे।